हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए निटिंग का ये बहुत प्यारा सा पैटर्न लेके आई हूँ। इसे आप किसी भी मॉफलर या फिर शॉल्स या स्कार्फ, इसमें आप अप्लाई करेंगे, बहुत ही प्यारा बन के आएगा आपका। और ये पैटर्न जो है बहुत ईजी भी है बनाने में, कोई भी बिगिनर आराम से इसे जल्दी से बना सकता है। और देखिए, इसमें टू के मल्टीपल्स के हिसाब से आपको फंदे लेने होते हैं। 2 + 2 + 2 + 2, इवन नंबर में आपको फंदे लेने होंगे, जितना भी आपको बनाना है। और ये बहुत जल्दी आपका बनता है। दो सलाई का ये पैटर्न है, टू टू रोज में ऐसे ये आगे बनता जाएगा। और देखिए, बैक साइड से ऐसा दिखता है ये पैटर्न। और देखिए, फ्रंट साइड से बहुत ही प्यारा लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने का तरीका। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें अपनी सिलाई में फंदे कास्ट ऑन करने हैं, तो मैं लॉन्ग टेल कास्ट ऑन यूज करती हूँ हमेशा फंदे डालने के लिए। अगर आपको ये मेथड सीखना है तो आप मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख के सीख सकते हैं। सबसे ईजी मेथड यही लगता है फंदे डालने का। और अगर आप किसी दूसरे मेथड से फंदे डालना चाहते हैं तो आप उससे भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं इसमें ले रही हूँ 18 स्टिच। तो ये एक हो गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदे डालने के बाद डबल सिलाई से फंदे डालने हैं हमने। एक सिलाई हम निकाल लेंगे और देखिए ये पैटर्न कैसे पड़ेगा। अब आप गौर से देखिएगा, पहली सिलाई है इसकी ये, तो इसका जो पहला फंदा है ये आप ऐसे ही स्लिप करेंगे। पहले तो फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे, उसके बाद के आगे के दो फंदे देखिए ऐसे और ऐसे, देखिए नीचे से ऐसे दूसरी सिलाई में ले लेंगे। अब उल्टे हाथ वाली सिलाई को ऐसे नीचे की तरफ डालेंगे और सीधा फंदे की तरह एक कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद आपको यहां से देखिएगा ऐसे ऊन को आगे से पीछे लेना है एक बार और फिर दूसरी बार, दो बार आपने ऊन को आगे से पीछे लिया। अब इसके बाद के आगे के दो फंदे गौर से देखिएगा, आपको ऐसे बुनने हैं। दो फंदों को एक साथ, देखिए दो हैं ये, 2 स्टिच हैं, इन्हें आपने एक साथ ऐसे बुनना है आगे से, ऐसे दो का एक करना है। और फिर इसके आगे के दो फंदे आपने ऐसे और ऐसे राइट हैंड वाली सिलाई में लेके, फिर आपकी लेफ्ट हैंड वाली सिलाई को आपने देखिए नीचे की साइड से डाल के फिर ऐसे दो का एक बनाना। दोनों फंदों को अलग अलग तरीके से दो का एक करना है। उसके बाद रिपीट होगा पैटर्न, देखिए ऐसे ही दो बार आप इसे फिर से सलाई पे घुमाएंगे ऊन को। उसके बाद देखिए फिर से ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा जैसे अभी यहां पे करा। आगे के दो फंदों को देखिए, दो फंदों को ऐसे दो का एक करेंगे इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट जो आगे के हैं उन्हें ऐसे इस हाथ की सिलाई में लेंगे राइट हैंड वाली, और फिर लेफ्ट हैंड की सिलाई को नीचे की साइड से ऐसे डालकर ऐसे दो का एक कर लेंगे और फिर ऊन को दो बार ऐसे लेके घुमाएंगे। फिर आप यही रिपीट करेंगे, दो फंदों को इस तरीके से कास्ट ऑफ करेंगे, दो का एक करेंगे, और दो फंदों को इस तरीके से करेंगे, देखिए ऐसे और ऐसे, दो को इधर लिया फिर अपनी सलाई को ऐसे नीचे से डाला और फिर ऐसे करके एक कर लिया। फिर आप इससे दो बार ऐसे फिर से घुमाएंगे, लास्ट के सिर्फ तीन फंदे बचे होंगे जब, तो आप देखिए इसे कैसे बुनेंगे, ऐसे और दो का एक कर लेंगे और लास्ट के फंदे को आप बुन लेंगे प्लेन, या तो सीधा या तो उल्टा, जैसा भी आप चाहें बुन सकते हैं।
वैसे उल्टा बुनने से ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। लास्ट के फंदे को ऐसे बुन लेंगे। अब देखिए इस पैटर्न की ये वाली जो है ये है सेकेंड रो। सेकेंड रो कैसे बनाई जाएगी, इसमें आपको पहला फंदा स्लिप करना है, ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। उसके बाद वाला देखिए ये फंदा आप बनाएंगे उल्टा, और ये जो दो जाली वाले फंदे हैं ये देखिए ये और ये दो जाली वाले फंदे हैं, इनमें से पहले फंदे को तो आप बनाएंगे उल्टा ऐसे और ऐसे निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा दोनों को एक साथ नहीं निकालना है, सिर्फ एक ही जाली वाले फंदे को निकालना है, और फिर ऊन को पीछे लेकर दूसरा वाला जाली वाला जो फंदा है ये बनाएंगे आप सीधा इस तरीके से, और फिर आपको ऊन अपनी साइड लेना है। इसके बाद देखिए एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा भी उल्टा, तीसरा फंदा भी उल्टा, और फिर इसे सिलाई पे से ऐसे निकाल के फिर जो दूसरा जाली वाला फंदा है इसे आप बनाएंगे सीधा। बहुत ध्यान से आपको ये करना है, एक साथ दोनों फंदों को निकाल लेंगे तो सब जो ये पैटर्न है गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आपको एक फंदा बुनना है उल्टा, ये दूसरा फंदा भी बुनना है आपको उल्टा, और ये वाला दो जाली के फंदे हैं इसमें से पहला वाला जाली का फंदा उल्टा और दूसरा वाला जो बचा है इसे ऊन पीछे लेकर सीधा ऐसे बुनना है। यही आपको लगातार रिपीट करते जाना है, तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा उल्टी सिलाई में। देखिए ये तीसरा फंदा उल्टा और ये वाला फंदा जाली वाला सीधा। लास्ट के जो दो फंदे बचेंगे ये आप उल्टे ही बुनेंगे। इस तरीके से टू रोज कंप्लीट हो गई है। अब आपकी थर्ड रो है, थर्ड रो में भी ये पैटर्न सेम जैसे इस तरह बनाया था फर्स्ट रो में, ऐसे ही थर्ड रो में सेम प्रोसेस आप करेंगे। तो देखिएगा एक बार और मैं आपको करके दिखा दे रही हूं। थर्ड रो है आपकी, पहला फंदा आप स्लिप करेंगे, उसके आगे के दो फंदे देखिए आप ऐसे करके एक को इधर लेंगे फिर दूसरे को इधर लेंगे, और अपनी सिलाई को नीचे की तरफ से ऐसे लेकर दो का एक कर लेंगे। फिर आपको दो बार ऊन को ऐसे और ऐसे घुमाना है। दो बार जब ऊन को घुमा लेंगे उसके बाद आपको ये दो आगे वाले फंदे ऐसे दो का एक करना है, दो फंदों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे। फिर इसके आगे वाले दो फंदों को ऐसे लेकर इधर से सिलाई को अपनी नीचे की तरफ से लेकर और ऐसे बुनेंगे दो को, दो फंदों का एक फंदा बनाया, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया, फिर आपको ऊन को दो बार ऐसे ऐसे घुमाना है। फिर आपने ये दो फंदों को ऐसे और इसके आगे वाले दो फंदों को ऐसे, इस तरीके से ऐसे बुनना है। फिर दो फंदों पे ऐसे आपने ऊन को अपनी सिलाई पे घुमाना है। इसके बाद फिर से ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे, दो फंदों को ऐसे और फिर दो फंदों को ऐसे और ऐसे लेकर देखिए ऐसे नीचे की तरफ सिलाई डालकर ऐसे बुनेंगे, दो का एक कर लेंगे। फिर दो फंदों को ऐसे ही घुमाएंगे और फिर लास्ट के जो तीन फंदे बचेंगे उनमें आपको जैसे आप पहले वाले दो फंदों को कर रहे हैं वैसे करेंगे, दो फंदों का एक फंदा और लास्ट का फंदा आप उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपकी फोर्थ रो सेम ऐसे ही बनेगी जैसे आपने सेकंड रो बनाई थी। तो मैं एक बार और बुन के दिखा दे रही हूं आपको। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, स्लिप कर लेंगे और एक उल्टा दूसरा उल्टा, तो ये तीन फंदे हमारे उल्टे हो गए। ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी साइड लेंगे, तीन फंदे फिर उल्टे, एक दो तीन फंदे उल्टे, ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी साइड लेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो
तीन फंदे उल्टे, ऊन पीछे की साइड लेंगे, एक फंदा सीधा, ऊन अपनी साइड लेंगे, तीन फंदे फिर उल्टे, पर्ल थ्री नेट वन, ये आप करते जाएंगे एंड तक। और जब लास्ट के दो फंदे बचेंगे तो आप उन्हें उल्टा बुन लेंगे। इस तरीके से ये पैटर्न आपका बनेगा, बहुत इजी पैटर्न है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पैटर्न आपका बन के आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।